हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया टॉपिक का नाम है नॉन फॉर्मल एजुकेशन और चैप्टर का नाम रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज एंड एजुकेशनल एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एजुकेशन है जो कि जो फॉर्मल सिस्टम है जो स्कूल कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बाहर करवाई जाती है ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ अ फॉर्म ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन दैट इज रिलेटेड टू फॉर्मल एजुकेशन टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ये उस टाइप की टीचिंग है जो कि काफी हद तक एजुकेशन जो फॉर्मल uh, एजुकेशन है उसके साथ मिलती जुलती है ठीक है कैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड सिलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग टू सम स्पेसिफाइड लर्निंग इसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या कराया जाता है जो स्लम्स में लोग रहते हैं उनको जाके पढ़ाया जाता है स्लम्स में जाके कैंप लगवाए जाते हैं जैसे एनजीओ वगैरह करते हैं ठीक है तो इस टाइप से

बच्चों को और बुजुर्गों को सिखाना सी एबीसीडी क्या होती है क क्या होता है मतलब सारी लैंग्वेज तो के बारे में बताना ताकि वो पढ़ना सीख सके नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन्वॉल्व वॉल्ट्री स्कूल्स जो कि जो एजुकेटेड पीपल हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वॉलंट्री स्कूल्स चलाते हैं कहीं जाके पढ़ाते हैं बच्चों को इवनिंग स्कूल्स डे फॉक स्कूल्स एक्सेट्रा इट मे बी प्रोवाइडेड बाय तो गवर्नमेंट का तो और बायजीओ का वेलफेयर कावर्नमेंट और एनजीओ ही करती है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊंगा इनफॉर्मल एजुकेशन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टिल देन टेक केयर बहुत